एक इश्यू है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और ये हम सबके सामने बताना चाहते हैं कि 2005 के अंदर जब अहम नागराज का जजमेंट आया तो उस समय सरकार के सामने दो ही रास्ते थे, दो में से एक रास्ता चुनना था। एक था कि वो जजमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, और दूसरा रास्ता था कि उसको नेगेट करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाए। उस समय की जो सरकार थी उसने 2012 तक इन दोनों में से एक भी काम नहीं किया, और इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ अनेकों केस होने लगे। बाद में 2012 में जब इसी एसोसिएशन ने राष्ट्रीय दलित पंचायत के बैनर पर महारैली की तो 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ। वो विधेयक अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है इसको भी 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो आज तक लोकसभा में पास नहीं हुआ। अब आज की स्थिति यह है कि न तो विधेयक पास हुआ नेगेट करने के लिए, और न वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हुआ, और ये दोनों काम नहीं होने से कोई भी आदमी जनरल कास्ट का कैट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि सरकार ने नागराज के केस में 2005 में जो जजमेंट दिया उसकी पालना नहीं की है, इसलिए ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन अवैध है, इसको बंद करना चाहिए, इसको 2005 से रिव्यू करना चाहिए। तो ये जो सरकार के द्वारा दो में से एक काम नहीं करना, इससे जो दलित समाज के लोग हैं उनमें ये संदेश जा रहा है कि सरकार शायद न्यायालय के माध्यम से इस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन लोगों के अंदर ऐसा संदेश जा रहा है, तो हमने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया है लिखित में कि इस भ्रम को मिटाने के लिए आप ये संविधान संशोधन विधेयक पास करें, और यदि इसको पास करने में समस्या है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है 3 बिंदु पर जांच कराने का, वो एक्सरसाइज आप पूरी करवाएं, वो एक्सरसाइज हमारे फेवर में है, और उससे भी हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड हो जाता है। तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू है वो ये है, आपसे अपेक्षा ये है कि आपको जो ज्ञापन दिया है हमने, ये ज्ञापन पर प्रधानमंत्री से जैसे हम दो टूक बात कर रहे हैं, आप ये बात कम से कम करें कि या तो इम्प्लीमेंट करें और या आप संविधान संशोधन विधेयक पास करें। जब सरकार के जो संवैधानिक प्रावधान है उनके खिलाफ कोई जजमेंट आता है तो सरकार उसके खिलाफ रिव्यू लगाती है, सरकार उसके खिलाफ SLP लगाती है, या सरकार अमेंडमेंट बिल लाती है, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करना ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। और जो एट्रोसिटी एक्ट है ये अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे पूरे देश के अंदर भारत बंद हुआ, और उस भारत बंद के दौरान अनेकों लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग पूरे देश में मारे गए हैं, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग इसमें घायल हुए हैं, और हजारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हमने जो ज्ञापन दिया आपको उसमें ये अनुरोध किया है कि एक तो ये जो एट्रोसिटी एक्ट है जिसके खिलाफ निर्णय आया है, ये निर्णय के खिलाफ रिवीजन पिटीशन पास जो फाइल कर दी है इसका तत्काल निपटारा किया जाए, और यदि तत्काल निपटारा नहीं होता है तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसमें अध्यादेश जल्दी से जल्दी लाया जाए ताकि ये भ्रम दूर हो, और जो लोग मर गए हैं, जिनका मतलब बाल बच्चे पीछे रह गए हैं, उनके एक परिवार के बच्चे को नौकरी दी जाए, और जो लोग एक्सपायर्ड हो गए हैं उन लोगों को, जो लोग घायल हो गए हैं, इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनको जो मुआवजा है राशि इलाज कराने की वो उनको दी जाए, और जितने भी केस दायर हुए हैं वो केस वापस लिए जाए, और जो बंदी हैं उनको छोड़ा जाए। मैं आपके माध्यम से ये बता रहा हूँ कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है, और हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो लोग और वर्षे जो आरक्षण नहीं चाहते, जो एट्रोसिटी नहीं चाहते, वो लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं। कल राजस्थान के अंदर एक विधायक के घर को जलाया गया, 2 विधायक हैं उनके घर को जलाया गया, और जब विधायक के घर को जला दिया तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इसमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए, इसका निपटारा किया जाए,
ये इश्यू पर आप यहाँ भी थोड़ा सा वक्तव्य दें, और वक्तव्य दे नहीं दे लेकिन कार्रवाई इसमें जरूर करें। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।